हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एमएक्स टकाटा कैप के लिए इस तरीके की सारी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको इस तरीके की सारी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड आपको प्ले स्टोर में जाकर कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही कान मास्टर ऐप को डाउनलोड करके रखा है। तो डाउनलोड होने के बाद इसे हमें ओपन करना है। ओपन करते ही फ्रेंड हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो फ्रेंड हमें वीडियो को एडिट करने के लिए प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हमें वीडियो की साइज को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड हम 960 की साइज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से पहले हम एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से इस ब्लैक बैकग्राउंड के लेयर को खींचकर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। फ्रेंड हमें फर्स्ट पोजीशन पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम इस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हम वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, मैंने इस वॉलपेपर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हम इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन लगा देंगे। ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग चुका है। बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड हमें वॉलपेपर के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींचकर ब्लैक बैकग्राउंड के लेयर के बराबर कर देना है इस तरीके से। और हमें बैक आना है, फर्स्ट पोजिशन पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, मैंने इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। अब इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को हम फुल स्क्रीन में लगा देंगे। ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो फुल स्क्रीन में लग चुकी है। अब ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से हमें नीचे जाना, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमें क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो लग चुकी है, अब हमें बैक आना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुकी है। अब फ्रेंड हम इसमें एक इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम एक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड आपको इस इफेक्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस इफेक्ट को हम फुल स्क्रीन में लगा देंगे। यहां पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहां पर हमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट फुल स्क्रीन लग चुका है। ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से हमें नीचे जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हमें स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट भी वीडियो में लग चुका है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरीके से एडिट हो चुकी है। अब इस वीडियो को हम चलाकर देखेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अच्छे तरीके से एडिट हो चुकी है। अब फ्रेंड हम इसकी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर देंगे। तो फ्रेंड हमें एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद हमें कैची का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। फ्रेंड हमें ट्रिम टू राइट टू प्लेट पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो चुकी है। तो फ्रेंड हमें इसी तरीके से अपनी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरीके से एडिट हो चुकी है। अब इस वीडियो को हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड हमें लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिला शेयर का, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हमें वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है। 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड हमें नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगी है। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से एमएक्स टकाटक ऐप के लिए सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।